हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर झांकती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात हो गई आज, इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़े से तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसके दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें अब फुर्सत मिली है मेरे पास आने की? कहाँ थे तुम? पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया और रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख रुपए की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। क्या लाना था? सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा कि तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मैं क्या दे सकता हूँ मालकिन, मैं तो अदना सा नौकर हूँ यहाँ। तुम फिर शुरू हो गए, कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार। वो दोनों प्रेम में आकंठ डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी, मोहन, मोहन, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। अरे मालिक, मालिक जाग गए, आज तो गड़बड़ हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। हाँ वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ था रे तू, हैं? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जन्मदिन है, शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है, हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। कैसे चला जाऊं रंजीता, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर, बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। मोहन, तुम बेवकूफ हो, यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपए मेरे दादा से उधार लिए थे,
वो 5 लाख कैसे बन गया मेरी समझ से बाहर है। वो मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता आ रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर न तो वीरभद्र सिंह को है और न ही उनकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना भी छुपाएं, ये छिप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रंजीता को लगातार उल्टियां हो रही थी। अरे कितनी बार कहा मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टी रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी, आप पागल वागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है? मेरी जांच गलत नहीं है सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना? सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रंजीता ने कहा, माँ डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता, हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ पीढ़ियों से नौकर रहे एक परिवार के लड़के से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। अरे करम चली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था, तभी सामने से मोहन आता हुआ दिखा। राजेश ने आव देखा न था, बंदूक उसके ऊपर तान दी। ये देखकर रंजीता भागी भागी आई। ये क्या कर रहे हो राजेश भैया, मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक की बट से रंजीता के सिर पर जोर से मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रंजीता पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। दो कौड़ी के नौकर हैं, तू हमें धमका रहा है? राजेश, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत, इसने बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई, लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजीता थी। मोहन, मोहन भाग जा, तू भाग जा यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। ये प्यार है, प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो? शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का, आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी, स्वीकार कर लें। हम ठाकुर हैं, यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और। उसके बाद मोहन को भी रंजीता। मोहन, मोहन।
एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजीता मोहन से प्यार कर रही है, और कोई मोहन रंजीता के ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।